नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछले वीडियो पे हमने बताया था एक से लेके सात दिन तक चूजे में इस्तेमाल होने वाले सारे मेडिसिन के बारे में, यानी एक दिन से लेके अगले सात दिन तक आपको कौन कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, तो ये सारे चीज़ के बारे में हमने पिछले वीडियो पे जानकारी दिया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जब चूजे का उम्र 8 दिन हो जाएगा, यानी 8 नंबर डे से लेके अगले 14 नंबर दिन तक आपको कौन कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करना है और कितने मात्रा में इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ के बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने 1 नंबर दिन से लेके अगले 7 नंबर दिन तक आपको कौन कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करना है उसके बारे में जानकारी दिया है, तो उस वीडियो को सबसे पहले आप जाके जरूर देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं 7 नंबर दिन पे, जिसमें हमने ऑलरेडी उस वीडियो पे यानी पिछले वीडियो पे बात किए थे कि रानीखेत का वैक्सीन लगाना है। उसके बाद जैसे 24 घंटा बाद, यानी आज अगर सुबह आप 8 बजे या फिर 7 बजे वैक्सीन दे रहे हैं चूजे को, तो कल तक यानी कल 8 बजे तक आपको कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी 24 घंटे तक आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद यानी जैसे 24 घंटा हो जाता है उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है लिवर टॉनिक, कोई भी ब्रांड का हो, चाहे आप लिप 52 इस्तेमाल करें, चाहे आप ब्रोटोन इस्तेमाल करें, जो भी लिवर टॉनिक आपके पास उपलब्ध है आप उस लिवर टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आज अगर सुबह आप 7 बजे वैक्सीन लगाते हैं, तो कल आप अराउंड 7 बजे के आसपास आपको लिवर टॉनिक देना होगा, और जो मात्रा रहेगा वह दोस्तों 5 ml करके प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से, यानी अगर आपके पास 100 चूजा है तो आपको 5 ml लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करना है, और एक बार में जितना चूजा पानी पी लेगा, यानी 2 घंटे में अगर आपके चूजा 2 लीटर या फिर 1.5 लीटर पानी पी रहा है, तो उसी 1.5 लीटर पानी में आपको 5 ml लिवर टॉनिक को अच्छे से मिला के अपने चूजे को पीने के लिए दे देना होगा। उसके बाद जैसे ही लिवर टॉनिक यानी जो लिवर टॉनिक मिला हुआ पानी है वो पी के ख़त्म कर देता है चूजा, उसके बाद आपको नॉर्मल सादा पानी पिलाना होगा। इसके बाद आपको दिन भर में कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है, सीधे आप रात के टाइम आपको एक और मेडिसिन का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है कार्बोवेज 200। ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो चूजे में अगर कोई भी पेट से रिलेटेड यानी पेट से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होता है आगे, तो उसको नहीं होने देगा, यानी पहले से ये प्रिवेंटिव के तौर पे काम करेगा, यानी इंडाइजेशन हो गया या फिर पतली पेट का प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे जो जितना भी इन्फेक्शन है पेट में जो होता है उस प्रॉब्लम से चूजे को बचाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो ये इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो जो मात्रा रहेगा यानी डोज रहेगा वो आपको कार्बोवेज 200 1 ml करके इस्तेमाल करना है प्रति 1.5 से लेके 2 लीटर पानी में। तो आपको इस मेडिसिन को पूरे रात भर के लिए चलाना है, यानी एक रात में होल नाइट में चूजा आपका जितना पानी पिएगा 2 लीटर 3 लीटर, उसी 2-3 लीटर पानी में आपको फिर जितना मात्रा बताया गया उस हिसाब से आपको मेडिसिन को मिला के रात भर के लिए पीने के लिए छोड़ देना होगा। तो ऐसे ही करके ये दोनों मेडिसिन को, यानी सुबह लिवर टॉनिक और रात के टाइम कार्बोवेज 200, ये दोनों मेडिसिन को आपको 8 नंबर दिन से स्टार्ट करना है देना, और अगले 11 डेज यानी 11 नंबर दिन तक आपको चलाना है कंटिन्यू, यानी टोटल 4 दिन के लिए आपको ये दोनों मेडिसिन को चलाना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी 12वें नंबर दिन पे आपको इस्तेमाल करना है एक और मेडिसिन का, जिसका नाम है ई केयर एसी। ये दोस्तों एक विटामिन ई सप्लीमेंट है, और इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पे जब आप वैक्सीनेशन कर दिए हो चूजे में उसके बाद, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन के बाद ई केयर या फिर कोई भी विटामिन ई सप्लीमेंट अगर चूजे को नहीं देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो चूजे में दोस्तों आगे आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। जैसे सबसे कॉमन एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा वो है लंगड़ापन, यानी चूजा लंगड़ाता है, सही से चल नहीं पाता है, तो इसीलिए इस मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल करें। अब दोस्तों बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यानी कितने मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास 100 चूजा है यानी 100 बर्ड्स आप अगर रखे हो, तो उसके लिए आपको जो ई केयर एसी मिलेगा वो पाउडर फॉर्म में मिलेगा, तो आपको इस्तेमाल करना है 2 से लेके 2.5 ग्राम, जितना पानी आप एक बार में चूजे को पीने के लिए दे रहे हैं, यानी अगर आप एक बार में 2 लीटर पानी पीने के लिए दे रहे हैं, तो उसी 2 लीटर पानी में आपको 2.5 ग्राम ई केयर एसी मेडिसिन को अच्छे से मिला के अपने चूजे को पीने के लिए दे देना है। और जैसे ही पानी 2 घंटे में या फिर 2.5 घंटे में पी के पूरा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप नॉर्मल जो भी सादा पानी देते हैं वो पानी आप फिर पिलाइए। तो ये जो मात्रा है ये आपको 100 चूजे के हिसाब से बताया गया, तो आपके पास जितना चूजा है 100, 200, 500, 1000, फिर आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन करके अपने चूजे को मेडिसिन को देना होगा।
तो ऐसे करके इस मेडिसिन को सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए ही आपको इस्तेमाल करना है, यानी 12वें नंबर दिन पे सिर्फ और सिर्फ सुबह के टाइम आपको इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही आपका 12 नंबर डेज कंप्लीट हो जाता है, यानी 12 डे कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट आता है 13वें नंबर दिन। तो 13वें नंबर दिन पे आपको किसी भी तरह कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पिला के सुबह से लेकर रात तक रखना है, क्योंकि 14वें नंबर दिन पे यानी 14 डेज पे आपको इस्तेमाल करना है गामरो का वैक्सीनेशन। तो जैसे हम हमेशा कहते हैं 24 घंटा पहले यानी वैक्सीनेशन के 24 घंटा पहले और 24 घंटा बाद तक किसी भी तरह से कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो उसी को देखते हुए आपको 13वें नंबर दिन को बिल्कुल सादा पानी पे रखना है चूजे को, और 14 डेज पे यानी 14 नंबर दिन पे आपको सुबह के टाइम या फिर रात के टाइम जब भी मौसम ठंडा होता है उस दौरान आपको लगाना है गामरो का वैक्सीन। और ये आप जो है आँख में दे सकते हैं एक ड्रॉप करके, अगर आपके पास कम क्वांटिटी में है, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मुर्गी है तो उस दौरान फिर आप पानी में भी ये गामरो वैक्सीन को दे के चूजे को पिला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी गामरो वैक्सीनेशन के बाद आपको कौन कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात किया 8 नंबर दिन से लेके अगले 14 नंबर दिन तक आपको कौन कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करना है। इससे पहले हमने एक नंबर दिन से लेके अगले 7 नंबर दिन तक बताया था कि आपको कौन कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम 15 नंबर दिन से लेके अगले 21 नंबर दिन तक आपको कौन कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करना है वो सारे के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो गाइस तो मिलेंगे कभी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।